दिल्ली से चलते हैं मुंबई, जहां हाल ही में मची एक भगदड़ के चलते 23 लोगों की जान चली गई। 29 सितंबर को एल्फिंस्टन पुल पर भगदड़ के शिकार हुए लोगों में से एक लड़की ने दावा किया है कि मराठी शब्दों फूल पड़ला की गलतफहमी के चलते लोगों में पुल गिरने की अफवाह फैली। ये शिल्पा की खुशकिस्मती थी कि उसे एक शख्स ने भीड़ से खींच कर बाहर निकाला, लेकिन वो शख्स खुद अपनी जान गंवा बैठा। 19 साल की शिल्पा विश्वकर्मा 29 सितंबर को एल्फिंस्टन स्टेशन के पुल पर मची भगदड़ में लोगों के बीच दब गई थी। जान तो बच गई, लेकिन जख्म अब भी हरे हैं। उस मंजर को आज भी याद कर सिहर जाने वाली शिल्पा अब तक एकमात्र ऐसी अहम गवाह है जिसने हादसे की वजह का खुलासा किया है। बड़े बड़े गोनियां लेके जाने वाले तो जो एकदम टॉप पे पहुंच गए, उनके हाथ से शायद वो फिसल गए। वो मैंने गिरते वक्त भी देखा और आवाज सुना भी, तो उन्होंने कहा मराठी में कि माझा फूल पड़ला। तो किसी को उच्चारण शायद हिंदी वाले को नहीं हुआ, तो उसने बोल दिया कि पुल गिर गया। तो उस वजह से लोगों की भगदड़ हो गई, अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भागने लग गए। एल्फिंस्टन में रहने वाली शिल्पा उस दिन विले पार्ले में कोचिंग क्लास जाने के लिए पुल पर चढ़ रही थी, तभी भगदड़ मची और वो भी भीड़ के नीचे दब गई। शिल्पा बताती है कि भीड़ में ही दबे एक शख्स तिलक राम तेली ने उसे खींच कर बाहर निकाला, लेकिन उसे बचाने की कोशिश में वो खुद अपनी जान गंवा बैठा। एक व्यक्ति थे जो अब नहीं रहे, तिलक राम तेली जी, उनकी आधी बॉडी मुझ पे थी। उन्होंने कैसे वो बाहर निकले मुझे नहीं पता, उन्होंने कैसे तो मैनेज किया बाहर निकले, तो उन्होंने शायद मेरा हाथ देखा, उन्होंने ट्राई किया मुझे खींचने का बाहर। मैंने पूरी कोशिश की, मैं तो बाहर आ गई, मुझे तो बाहर उन्होंने निकाल लिया, लेकिन वो जो गर्दी थी वो उनके ऊपर गिर पड़ी, तो उनकी वजह से वो दब गए। इस बीच हादसे के बाद रेल पुलों का सर्वे करने के लिए बनी ऑडिट समिति ने अपना काम शुरू कर दिया है, लेकिन जरूरत रेल स्टेशनों के बाहर बने अवैध निर्माणों, फेरी वालों और अवैध पार्किंग को भी हटाने की है, ताकि हादसे के वक्त जल्द से जल्द मदद पहुंचने में कोई बाधा न आए। मुंबई से कैमरामैन दिनेश हराले के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के।